गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम करेंगे क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 3.2, लेकिन पहले उसका बेसिक्स पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। देखो हम ना इसके प्रूफ में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमने इसके प्रूफ की वीडियो ऑलरेडी पहले से बना के रखी हुई है। अगर आप इन सब का प्रूफ देखना चाहते हो तो उस पर वीडियो बनी हुई है। तो हम आपको फिलहाल डायरेक्ट सिखाएंगे कि आपको डायरेक्ट याद कैसे करना है। जैसे देखो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस में क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। ये तो सबको पता है। अब हमें देखना है कि हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट, कोसेक। हमें देखना है कि इनमें से कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट में, ठीक है। अगर आपको प्रूफ देखना है तो इस पे वीडियो बनी हुई है, तो फिलहाल तो हम डायरेक्ट आपको बता दें। देखो इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक लाइन याद रखनी है, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ठीक है। ये डायरेक्ट याद करने का तरीका है, ये तो प्रूफ करवाया। देखो सबसे पहले आपने क्या याद रखना है, ए, यहाँ पे ए क्या, ए ए फॉर ऑल, ऑल मतलब सारे पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट और कोसेक। आप इनका एक्स भी लगा दो या कुछ भी लगा, ये सारे के सारे कॉस सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है एस, एस का मतलब होता है, एस होता है साइन, साइन और साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। जैसे नेगेटिव में कौन कौन आएगा, नेगेटिव में टैन, कॉट, सीकेंट और कोसेक, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चारों नेगेटिव होते हैं, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, ऐसे याद रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, ठीक है। आफ्टर स्कूल टू टी है यहाँ पे, टी मतलब टैन, T का मतलब हो गया tan, तो tan थर्ड क्वाड्रेंट में, tan और cot थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, ठीक है। वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे याद रखो tan cot पॉजिटिव, बाकी sin cos cosec और secant नेगेटिव हो जाएंगे। और इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिखा, सिनेमा, C फॉर cos, तो इसमें cos पॉजिटिव और cos का रेसिप्रोकल secant, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे, आप इसको थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे, तो इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो जरा इसके ऊपर एक क्वेश्चन, फिर उसके बाकी बेसिक्स आपको बातें बताते हैं। जैसे ये देखो क्या बोला हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको क्या करना है, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने। cos x दिया -1/2, x lies in third quadrant। देखो third quadrant में cos, third quadrant में कौन पॉजिटिव होता है, third में tan और cot पॉजिटिव होता है ना, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, इसलिए इसने यहाँ पे cos x को नेगेटिव किया। अब आपको sin, cos, tan सब निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले देखो cos x है, कॉस एक्स दिया -1/2, कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, कॉस क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ट्राइंगल बनाओ, ये बनी ट्राइंगल, ये एंगल हो गया आपका एक्स, यहां पे जो बेस है ना वो 1 है, तो यहां लिखो 1, माइनस मत लिखना क्योंकि लेंथ है ना, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ये जो माइनस है ये क्वाड्रेंट का साइन है, अब नेगेटिव मत लिखना। और जो परपेंडिकुलर, सॉरी ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और जो हाइपोटेन्यूज है वो 2 है,
तो अब आप क्या करो, परपेंडिकुलर निकालो। परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, देखो हमारे पास होता है एच का स्क्वायर, पी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर। एच कितना है, टू, टू का स्क्वायर, परपेंडिकुलर वन का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। तो यहां से बेस क्या आ जाएगी, ये बनेगा वन को इधर ले जाओ, फोर माइनस वन, तो बेस आ जाएगी यहाँ पे, स्क्वायर को यहाँ ले जाओ, रूट थ्री, है ना, कितनी हो जाएगी रूट थ्री, ये बन गई रूट थ्री। ठीक है, अब आप बाकी चीजें निकालते जाओ। सबसे पहले आओ साइन एक्स। साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है रूट थ्री, हाइपोटेन्यूस कितना है टू। और आप देखो कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, तो यहाँ नेगेटिव आ जाए। ठीक है, अब आ जाओ कॉस। कॉस तो आपने निकाला हुआ है, अब टैन पे आ जाओ। टैन क्या होता है, टैन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर रूट थ्री, बेस टू। एक सेकेंड, हमने गलत कर दिया ना, साइन होता है पी बाय एच, ठीक था ना, ठीक किया था, है ना। टैन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर रूट थ्री, बेस वन, तो ये बनेगा रूट थ्री बाय वन। अब देखो टैन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ प्लस लिख दो, तो ये बन जाएगा रूट थ्री। ठीक है, इसी तरह अब आ जाओ कॉट। कॉट आ जाओ, कॉट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, है ना, बेस क्या वन, परपेंडिकुलर रूट थ्री, तो ये बनेगा वन बाय रूट थ्री। और ये क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ लिख दो वन बाय रूट थ्री। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ कौन बचा, सीकेंट। सीकेंट होता है हाइपोटेन्यूस बाय बेस। हाइपोटेन्यूस देखो कितना है, टू, और बेस कितनी है वन, तो टू बाय वन। और ये सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस लिख दो। ठीक है, इसी तरह कोसेक। कोसेक होता है एच बाय पी। एच देखो कितना, टू, और पी कितना है रूट थ्री, तो ये बनेगा टू बाय रूट थ्री। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस टू बाय रूट थ्री। ये लो जी, क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट। देखो इसको, ठीक है, इसके बाद सेम है। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, साइन एक्स इक्वल टू थ्री बाय फाइव, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब आपको एक्स कौन से क्वाड्रेंट में दिया है, सेकेंड क्वाड्रेंट में दिया है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, स्कूल, साइन एक्स और कोसेक एक्स पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो तभी देखो साइन एक्स पॉजिटिव दिया है ना, तो वैसे ही करो सेम, हो जाओ शुरू। देखो साइन एक्स दिया हुआ है थ्री बाय फाइव, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो बनाओ जरा ट्राइंगल, देखो ये हो गया आपका एक्स, परपेंडिकुलर देखो कितना है, परपेंडिकुलर थ्री, हाइपोटेन्यूस हो गया फाइव। अब पीजीटी लगाओ, ठीक है, पीजीटी लगाओगे तो क्या बनेगा, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच देखो क्या, एच है फाइव, परपेंडिकुलर थ्री, बेस हमें चाहिए। इसको सॉल्व करो, इसको इस तरफ लाओ, 25 माइनस 9 इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इक्वल टू 16, बी इक्वल टू रूट 16, तो ये 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहां लिख दो। ठीक है, अब हमें निकालना है इसके बाद, देखो सबसे पहले तो आप निकालो कॉस। कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितनी है 4, हाइपोटेन्यूस है 5, 4 बाय 5। अब साइन का देखो, कॉस एक सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना, तो यहां लिख दो नेगेटिव। ठीक है, अब आ जाओ टैन। टैन क्या होता है, टैन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4,
और ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो लिख दो माइनस। अब आ जाओ कॉट, ठीक है, कॉट में आप क्या कर सकते हो, टैन का उल्टा कर सकते हो, कॉट में टैन का उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, फोर अपॉन माइनस थ्री, तो ये बन जाएगा माइनस फोर बाई थ्री, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो वैसे आप बेस बाय परपेंडिकुलर करके भी कर सकते हो। फिर सीकेंड, सीकेंड में क्या कर सकते हो, कॉस का उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, ठीक है, ये बनेगा फाइव अपॉन माइनस फोर, ये बन जाएगा माइनस फाइव अपॉन फोर। फिर आ जाओ कोसेक, कोसेक में क्या कर सकते हो, साइन का उल्टा, इसका उल्टा कर दो, साइन का उल्टा, देखो टैन में कॉट, कॉट को टैन का उल्टा, सीकेंड को कोसेक का उल्टा, और साइन को कोसेक का उल्टा, इसका उल्टा कर दो, तीन बाय पांच का पांच बाय तीन, ये लो जी, ये भी कंप्लीट, देखो इसको, अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉट एक्स इक्वल टू थ्री बाय फोर, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टैन एक्स और कॉट एक्स, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, है ना, तो क्या करेंगे, देखो कॉट एक्स दिया हुआ है थ्री बाय फोर, कॉट होता है परपेंडिकुलर बाय बेस बाय परपेंडिकुलर, है ना, बनाओ जरा ट्रायंगल फिर से, देखो बेस हो गई थ्री, परपेंडिकुलर हो गया फोर, पीजीटी लगाओ, पीजीटी लगाओगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, फोर का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा h इक्वल टू 25, 25 का रूट 5 हो जाएगा। चलो अब एक ही करके निकालते जाओ, सबसे पहले साइन एक्स, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेन्यूस 5, 4 बाय 5, और ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कॉट पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यहां लिख दो माइनस, ठीक है। अब आ जाओ कॉस, कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितनी है, थ्री, हाइपोटेन्यूस फाइव, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस। अब इसके बाद आप निकालो कोसेक, कोसेक में क्या करना है, साइन का उल्टा, इसका उल्टा कर दो, ये बनेगा फाइव अपॉन माइनस फोर, माइनस फाइव अपॉन फोर। फिर आ जाओ सीकेंड, सीकेंड में कॉस का उल्टा, सीकेंड में कॉस का उल्टा, इसका उल्टा कर दो, फाइव अपॉन माइनस थ्री, तो बन जाएगा माइनस फाइव अपॉन थ्री। अब इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ कॉट, टैन, टैन, टैन में कॉट का उल्टा, इसका उल्टा कर दो, थ्री बाय फोर का उल्टा फोर बाय थ्री, ये भी कंप्लीट, ये तीनों कंप्लीट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, secant x इक्वल टू 13 बाय 5, x lies in fourth quadrant, तो देखो कैसे करेंगे, इस बार fourth quadrant में, fourth quadrant में cos और secant पॉजिटिव होता है, है ना, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो देखो secant x इक्वल टू 13 बाय 5, secant होता है hypotenuse अपॉन बेस, secant क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ठीक है, तो बनाओ जरा ट्रायंगल, ये हो गया x, देखो हाइपोटेन्यूस है 13, बेस है 5, पीजीटी लगाओ क्या बनेगा, h का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, h देखो कितना 13, P नहीं है हमारे पास और बेस है 5, ये बन गया 13 का स्क्वायर 169, इसको इस तरफ ले आओ 5 का स्क्वायर 25, तो यहां से हो जाएगा P स्क्वायर इक्वल टू 144, P इक्वल टू रूट 144, तो P हो जाएगा 12, ये P हो गया 12,
अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन एक्स। साइन होता है पी बाय एच, पी बाय एच, पी कितना है 12, एच कितना है 13, तो 12 बाय 13। और ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, या माइनस लिख दो। ठीक है, अब आ जाओ कॉस एक्स। कॉस होता है बी बाय एच, बी देखो कितना है 5 एच है 13, तो 5 अपॉन 13। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट आ जाओ अब टैन। टैन टैन के लिए क्या करो, टैन होता है पी बाय बी, पी देखो कितना है 12 और बेस है 5, 12 बाय 5। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, अब आ जाओ कोसेक एक्स। कोसेक में क्या करो, साइन का उल्टा, इसका उल्टा कर दो, 13 बाय -12, तो बनेगा -13 बाय 12। सीकेंड, सीकेंड को क्या करो, कॉस का उल्टा, इसका उल्टा कर दो, 13 बाय 5। और कॉट, कॉट में क्या करो, टैन का उल्टा कर दो, इसका उल्टा, 5 बाय -12। ये लो जी, ये भी कंप्लीट, -5 बाय 12 हमारा आंसर। देखो इसको यहां, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है टैन एक्स इक्वल टू -5 अपॉन 12, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो क्या करेंगे, देखो टैन एक्स को लिखो, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो टैन एक्स को लिखो -5 अपॉन 12, इसको लिखो परपेंडिकुलर बाय बेस, बनाओ जरा ट्राई। तो ये हो गया x, परपेंडिकुलर 5, बेस 12। ठीक है, पीजीटी लगाओ, डायरेक्ट लिख दें, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, पीजीटी लगा लेना, ये लगा के आएगा 30। चलो अब हो जाओ शुरू, सबसे पहले आ जाओ साइन x। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, हाइपोटेन्यूज, 5 बाय 13। और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब आ जाओ कॉस एक्स। कॉस एक्स होता है बी बाय एच, बी देखो कितना है 12, एच है 13, 12 बाय 13। और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस लिख देना। फिर आ जाओ टैन, टैन तो है हमारे पास, टैन है हमारे पास -5 अपॉन 12। साइन कोसेक, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा 13 बाय 5, इसको उल्टा सीकेंड का 13 बाय -12, -12 बाय 13, 13 बाय 12। और टैन में कॉट में इसका उल्टा 12 अपॉन -5, तो -12 बाय 5। ये लो जी, पहले 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।